नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। संस्कृत सूक्ति अल्पानामपि वस्तुनाम संहिति कार्य साधिका त्रिणय गुणयत्वा मापनैरध्यन्ते मत्यदन्तिनः। छोटी छोटी वस्तु एकत्र करने से बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं। जैसे घास से बनाई गई हुई डोरी से मत्त हाथी बांधा जा सकता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर एक पर्वत पर माणिक नहीं होते, हर एक हाथी के गण स्थल में मोती नहीं होते, साधु सर्वत्र नहीं होते, हर एक वन में चंदन नहीं होता। उसी प्रकार दुनिया में भली चीजें प्रचुर मात्रा में सभी जगह नहीं मिलती हैं। एक वर्ण यथा दुग्धम भिन्न वर्णासु भेनसु तथैव धर्म वैचित्र्यम तत्त्वमेकं परम स्मृतम्। जिस प्रकार विविध रंग रूप की गाय एक ही रंग का सफेद दूध देती हैं, उसी प्रकार विविध धर्म पंथ एक ही तत्व की सीख देते हैं। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मसम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुखम दुख है। जो चीजें अपने अधिकार में नहीं हैं वह सब दुख है, तथा जो चीज अपने अधिकार में है वह सब सुख है। संक्षेप में सुख और दुख के यह लक्षण हैं। अलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? यदि ज्ञान नहीं तो धन कैसे नहीं मिलेगा? यदि धन नहीं है तो अपना मित्र कौन बनेगा? और मित्र नहीं तो सुख का अनुभव कैसे मिलेगा? आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा जल विविध नदियों के माध्यम से अंतिमतम सागर से जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया हुआ नमन एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वम एव तनुषे चेत विश्वस्मिनम अधुना अन्य कुल व्रतम पाल इष्यति कह। अरे हंस, यदि तुम ही पानी तथा दूध भिन्न करना छोड़ दोगे तो दूसरा कौन तुम्हारा यह कुल व्रत का पालन कर सकता है? यदि बुद्धिमान तथा कुशल मनुष्य ही अपना कर्तव्य करना छोड़ दें तो दूसरा कौन वह काम कर सकता है? पापम प्रज्ञा नाश्यति क्रियमाणं पुनः पुनः नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्यमा रभते नरः। बार बार पाप करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट होती है, और जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी हो ऐसा व्यक्ति हमेशा पाप ही करता है। पुण्यम प्रज्ञा वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः वृद्धः प्रज्ञा पुण्यमेव नित्यम आरभते नरः। बार बार पुण्य करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि बढ़ती है, और जिसकी विवेक बुद्धि बढ़ती रहती है ऐसा व्यक्ति हमेशा पुण्य ही करता है। दिवसे नैव ततम कुर्यात् येन रात्रौ सुखम बसेत् यावत् जीवम च तत् कुर्यात् येन प्रत्य सुख बसे। दिन भर ऐसा काम करो जिससे रात में चैन की नींद आ सके, वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करो जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, हमें अर्थात सद्गति प्राप्त हो। अनेक शास्त्रम बहु वेद तिब्यम अल्पस्य कालो बहवस्य विघ्ना यत सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाभ भो मध्यात्। पढ़ने के लिए बहुत शास्त्र और ज्ञान अपरिमित है,
अपने पास समय की कमी है और बाधाएं बहुत हैं। जैसे हंस पानी में से दूध निकाल लेता है, उसी प्रकार उसी तरह से उन शास्त्रों का सार समझ लेना चाहिए। कलाहांतनी हर्माणी कुआक्यान च सौद्यम कुराजान तान रासनाणी कुकर्मांतम यशोनृणाम। झगड़ों से परिवार टूट जाते हैं, गलत शब्द प्रयोग करने से दोस्त टूटते हैं, बुरे शासकों के कारण राष्ट्र का नाश होता है, बुरे काम करने से यश दूर भागता है। दुर्लभम त्रयमेवैत्वम देवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य जन मुक्ति की इच्छा तथा महापुरुषों का सहवास, यह तीन चीजें परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करती हैं, निर्भर करते हैं। सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम, सुखार्थीन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम। जो व्यक्ति सुख के पीछे भागता है उसे ज्ञान नहीं मिलेगा, तथा जिसे ज्ञान प्राप्त करना है वह व्यक्ति सुख का त्याग करता है। सुख के पीछे भागने वाले को विद्या कैसे प्राप्त होगी, तथा जिसको विद्या प्राप्त करनी है उसे सुख कैसे मिलेगा। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम् तडागोदर संस्थानां परिवाहिवाभ्यासाम। कमाए हुए धन का त्याग करने से ही उसका रक्षण होता है। जैसे तालाब का पानी बहते रहने से साफ रहता है। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें अच्छे विषय में आपके वीडियो के लिए बनाने में प्रोत्साहन मिले।